का जगत। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है ये कार्यक्रम। इसमें सुनते हैं आदिवासी जीवन और पर्यावरण से जुड़ी एक कहानी, चेमता त्रोता। Zotlang ram nuam hi chor pial runi yang e Hallo ten lung rua la da rang kan le na Per quang trinh trang zaya kan choi lai moi e Par moi tin ring le tli phim le na kan zo ram nuam। देश के पूर्वोत्तर हिस्से में खासी, गारो, नगा, मिजू जैसी कई जनजातियां रहती हैं। देश की मुख्य धारा में शामिल होने के बावजूद इनके रहन सहन, रीति रिवाज और गीत संगीत में इनकी परंपरा और संस्कृति की छाप स्पष्ट है। ओ इमोय मंगे कान ले ना जोतलांग राम माना पीपुला सी ख्वा बांग लेन तीन काई विशेष रूप से लोक गीतों और लोक कथाओं में इनकी अनमोल धरोहर सुरक्षित है। मिजोरम की ऐसी ही एक लोक कथा हम आज तुम्हें सुनाने जा रहे हैं, जिसमें मिजो जनजीवन की झलक मिलती है। बात बहुत पुराने समय की है, उस समय की जब मिजो लोगों ने एक जगह पर बंध कर रहना और खेती करना शुरू ही किया था। बल्कि इस कहानी के नायक चेमता त्रोता का तो अपना अलग घर था भी नहीं। वो गांव के और बहुत से अविवाहित युवकों की तरह एक बहुत बड़ी सांझी झोपड़ी में रहता था। एक दिन वो अपने कुत्ते तारू के साथ जंगल में शिकार करने निकला। तुम्हारी तरह झाड़ियों में से होता हुआ नहीं बढ़ सकता ना। अरे मुझे तो अपने लिए रास्ता बनाना पड़ता है। हाँ हाँ आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। लो आ गया, अब बताओ क्या बात है। अच्छा ये तालाब दिखा रहे थे तुम मुझे। हाँ जगह तो बड़ी सुंदर है, चारों ओर घने ऊंचे पेड़ और बीच में ये सुंदर तालाब, और तालाब में ढेरों मछलियां। हाँ हाँ मछलियां और केकड़े भी पकड़ेंगे, पर चलो पहले नहाते हैं। हाँ और फिर आग जलाकर कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करेंगे, ठीक है। आओ चेमता त्रोता को वो जगह इतनी पसंद आई कि वो वहीं ठहर गया। उसने तालाब के पास ही अपने लिए एक झोपड़ी बना ली और तारू के साथ वहां रहने लगा। झोपड़ी के पास ही उसने थोड़ी जमीन पर से जंगली खरपतवार साफ किए और वहां केले और अनानास बो दिए। कुछ महीनों बाद जब फल लगे तो वो केले और अनानास लेकर तालाब के दूसरी तरफ वाले गांव में गया और उन फलों के बदले चावल और नमक ले आया। अब उसकी जिंदगी मजे से कटने लगी। मछली, फल और पानी की तो कोई कमी नहीं थी। जब कभी चावल की कमी होती वो अपने उगाए फल लेकर किसी गांव में चला जाता। एक बार ले लो
हाँ कहो, केले लोगी या अनानास? दोनों ही लूंगी, पर तुम बदले में क्या लोगे? बदले में मुझे चावल और नमक चाहिए। तब तो तुम्हें मेरे घर चलना पड़ेगा। मैं तो पानी लेने गई थी, अपने साथ चावल और नमक तो लेकर नहीं चली थी ना। हाँ, मेरे पास खाने का कुछ सामान है, अगर तुम चाहो तो हम कुछ देर यहीं रुककर कुछ खा पी लेते हैं, फिर मैं तुम्हें अपने घर ले चलूंगी। तो ठीक है, दोपहर हो चली है, तारू को भूख भी लगी होगी। अच्छा, तो ये है तारू। हाँ हाँ तारू, रुको अभी खाना देती हूँ, पहले मैं पीठ पर बंधे बांस के खोल को तो उतार लूँ। लाओ, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। हाँ उतारो। अरे ये तो काफी भारी है। तुम्हारे घर में और कौन कौन है? माँ है, पिताजी है और मेरे तीन भाई हैं। क्या करते हैं तुम्हारे पिता और भाई? हमारे पास बहुत सी जमीन है, मेरे पिता और भाई उसमें धान की खेती करते हैं। बहुत ढेर सा चावल होता है मेरे घर। और तुम कहाँ रहते हो, क्या करते हो, तुम्हारा नाम क्या है? मैं मेरा नाम चेमता त्रोता है। वो पहाड़ देखती हो ना? हाँ हाँ हाँ। उस पहाड़ के पीछे रहता हूँ मैं। अच्छा। वहाँ जंगल के बीच एक बहुत सुंदर तालाब है, बहुत मीठा पानी है उस तालाब का। सच? हाँ, उसमें कई तरह की मछलियाँ हैं, केकड़े हैं। उसी के पास मेरी झोपड़ी है और वहीं केले और अनानास की खेती करता हूँ मैं। और कौन कौन है वहाँ? बस मैं और मेरा दोस्त तारू। अभी तो हम दो ही हैं। कितना होशियार है तारू, अपना नाम सुनते ही बोल उठा। अरे इसे तो मेरा बनाया खाना बहुत पसंद आया। अरे हाँ, देखो ना कैसे चाट चाट कर सब कुछ साफ कर गया। मेरा बनाया खाना तो ये सूंघकर छोड़ देता है। अच्छा अब तुम बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मेरा नाम नूपारी है। अरे ये क्या, तुम तो कुछ खा नहीं रहे, क्या खाना पसंद नहीं आया तुम्हें? अब मैं तारू की तरह पंजे चाट चाट कर तो बता नहीं सकता कि खाना मुझे कितना पसंद आया है। यही कह सकता हूँ कि खाना वाकई बहुत स्वादिष्ट था। तुम मेरे घर तो चल ही रहे हो, मैं तुम्हें इससे भी अच्छा खाना बनाकर खिलाऊंगी। नहीं, तब तो मैं तुम्हारे घर नहीं जाऊँगा। नहीं जाओगे? वो क्यों? अगर अच्छा अच्छा खाना खाकर तारू की आदत बिगड़ गई तो फिर ये मेरा बनाया खाना तो सूंघेगा भी नहीं। तो फिर तुम तारू के लिए कोई अच्छी खाना पकाने वाली ले आना। तुम चलोगी मेरे साथ? वहाँ तालाब के किनारे मेरी झोपड़ी में रहोगी, मुझसे शादी करोगी? मुझसे क्यों पूछते हो, ये भी अपने तारू से ही पूछो ना। और इसके बाद चेमता त्रोता ने नूपारी से शादी कर ली। और उसे अपने घर ले गया। नूपारी ने चेमता त्रोता को धान की खेती करना सिखाया। कुछ ही दिनों में अपने खेतों में धान, बागों में केले, अनानास और तालाब की मछलियों से चेमता त्रोता उस इलाके का बहुत बड़ा आदमी बन गया। उसने खेतों और बागों में काम करने के लिए कई आदमी भी रख लिए। उन सब के मकान बन जाने से चेमता त्रोता के घर के आसपास एक पूरा गांव ही बस गया। इस बीच उसकी पत्नी ने एक बेटे और एक बेटी को जन्म दिया। सब कुछ हंसी खुशी चल रहा था कि तभी चेमता त्रोता का पुराना दोस्त उसका कुत्ता तारू बूढ़ा होकर चल बसा। चेमता त्रोता बहुत उदास रहने लगा। क्या बात है, कई दिन से देख रही हूँ, इतने चुप चुप क्यों रहते हो? कुछ भी अच्छा नहीं लगता, तारू की बहुत याद आती है, सोच रहा हूँ यहाँ से कहीं और चला जाए। हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो ना कुछ दिन मेरे भाइयों के यहाँ चलकर रहें, तुम्हारा मन भी बहल जाएगा और बच्चे अपने नाना मामा से भी मिल लेंगे। नहीं नहीं, मैं कुछ दिनों के लिए नहीं, हमेशा के लिए यहाँ से कहीं और चलने की बात सोच रहा हूँ। कहते क्या हो, अरे ये खेत, ये बाग बगीचे, ये घर, ये सब छोड़कर कहाँ जाएंगे हम? क्यों,
जब मैं यहां आया था तब मेरे पास क्या था? मेरे हाथ में एक दाव था और मेरे साथ तारू था। अपनी मेहनत से जैसे मैंने यहां घर बार खेती बगीचे बना लिए, वैसे ही कहीं और भी बना लूंगा। तब की बात और थी, तब तुम अकेले थे, कहीं भी खा लेते थे, कहीं भी सो रहते थे। अब तो तुम्हारे साथ मैं हूँ, बच्चे हैं, हमें लेकर कहाँ भटकते फिरोगे? नहीं नहीं, ये विचार अपने मन से निकाल दो। नहीं, ये विचार तो अब मेरे मन में पक्का हो गया है। मैं अब यहाँ बड़ी घुटन महसूस करता हूँ। ऐसा ही है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। तुम जाओ, घूम घाम आओ, मैं बच्चों को लेकर यहीं रहूंगी। अब तो गांव में कई लोग हैं, डर की कोई बात नहीं है। और सचमुच एक दिन चेमता त्रोता निकल पड़ा अनजाने अनदेखे जंगलों पहाड़ों में घूमने भटकने। कई बरस तक घूमने फिरने के बाद जब वो घर लौटा तो कौन हो तुम? यही सवाल अगर मैं तुमसे पूछूं तो कौन हो तुम? मैं मामते हूँ, इस गांव के मुखिया चेमता त्रोता का बेटा। अब तुम बताओ तुम कौन हो? यूं समझ लो कि हम तुम्हारे बाप हैं। अरे वाह, ये कैसे समझ लो? ठहरो, अभी तुम्हारी खबर लेता हूँ। माँ, ओ माँ, 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 देखो तो। अरे तुम चेमता त्रोता, आओ आओ, ये क्या हालत बना रखी है? नुपारी, कैसी हो? चेमता त्रोता, तो क्या ये सचमुच मेरे बाबा हैं? बाबा? हाँ बेटे, हाँ, मैं सचमुच तुम्हारा बाबा हूँ। अरे बेटी नजर नहीं आती, कहाँ है वो? उस लड़की का स्वभाव तो बिल्कुल तुम्हारी तरह है, अपने कुत्ते को लिए इधर उधर भटकती रहती है। उसे खेती बाड़ी से कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन मामते का स्वभाव यायावों की तरह है। इसने अभी से पूरे गांव का कामकाज संभाल रखा है। अच्छा, चेमता त्रोता ने देखा कि उसकी पत्नी और बेटे ने जंगल का नाश कर रखा था। दूर दूर तक जहां नजर जाती जंगल खेतों में बदल चुके थे। उन खेतों में काम करने वालों ने मकान बनाने के लिए आसपास के सारे पेड़ काट डाले थे। तालाब में मछलियां खत्म हो चली थी। नहाने धोने और मवेशियों के आने जाने के कारण तालाब का पानी बिल्कुल गंदा हो चुका था। चेमता त्रोता को यह सब देखकर बहुत दुख हुआ। उसने सबको समझाया कि प्रकृति के पास हर एक की जरूरत पूरी करने के लिए बहुत कुछ है, बशर्ते उसका दुरुपयोग न किया जाए। अपनी जरूरत भर लें और बाकी को आने वाली पीढ़ियों की धरोहर समझकर संजोकर रखें, तभी प्रकृति और मनुष्य के बीच सही संतुलन कायम रहेगा। हालो तेन लुंग रुआला दारं कन लेना पेर क्वां ट्रिंग ट्रांग जाया कन चोय लाई मोय ए पार मोय तिन रिंग ले थी फिम लेना कन जो राम नुआ। चेमता त्रोता, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। परियोजना निर्देशन सुश्री जय चंदीराम, आलेख डॉक्टर शुभ्रा शर्मा, कलाकार सुचित्रा गुप्ता, अभय भार्गव और यमन कौशिक, ध्वन्यांकन दीपक पांडे, निर्माण सहयोग वंदना अरिमर्दन तथा विषय संयोजन संगीत एवं निर्माण अजीत होरो।